government. Hey, hey. Regulate parking. Lagu karo. Regulate parking. Lagu karo. Regulate parking. Lagu karo. One way in the Hardal ka. Ekay Musarkar ka. One way in the Hardal ka. Ekay Musarkar ka. Ekay government. Hey, hey. Ekay government. Hey, hey. Ekay Prashasan. Hey, hey. Ekay Prashasan. Hey, hey. Ekay kaam karo. Usi chalo kaam karo. Ekay kaam karo. Usi chalo. जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर आज महाराजा हरि सिंह की जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे जम्मू वासियों को पीएचई दिल्ली वेजर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत फले फूले, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को दिल्ली वेजर साथियों की तरफ से संदेश है कि जिस तरीके से आपने महाराजा की हरि जयंती पर 127वां जन्मदिन मना रहे हैं, आपने छुट्टी अवकाश घोषित किया है, इसी के तर्ज पर जम्मू कश्मीर का डेली वेजर साथी जो पिछले 93 दिन से काम छोड़ हड़ताल पर बैठा हुआ है, उसके प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन कहां पर बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कहां पर खड़ी है, इसका तर्क आपने कल भी देखा और जो डालम डोल वाली स्थिति लोगों को बता रहे थे, मीडिया समक्ष उसको कवर कर रहे थे। आज हमारा पुनः ये मांग है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को हताश और निराश न किया जाए। मनोज सिन्हा साहब को इसके ऊपर पूरी गारंटी और योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए, ना कि इसी पेपर में दिया गया है कि कोई 10 रुपये 11 रुपये बढ़ा दिए जा रहे हैं, 2-4 जो ग्रेड बनाए जा रहे हैं, जो सीढ़ियां बता रहे थे कल, उसी की तरह पर आज न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टिंग आई है, उसको हम उसका जो थैंक यू करेंगे तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन का थैंक यू नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कड़ी चुनौती देंगे और कड़ी टक्कर देंगे। हर डिवीजन का साथी, मेरा साथी किसी भी डिवीजन और सब डिवीजन कार्यालय में बैठा हुआ है, उसे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। समय की मांग है और डेली वेजर की मांग है कि जम्मू कश्मीर में अगर SRO 64 और रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर होगा, चाहे वो एलजी प्रशासन होगा, हमारा साफ शब्दों में कहना है कि डेली वेजरों को रेगुलर पॉलिसी दी जाए। आप लोग पेंडिंग बेजेस को बाद में रखें, आप लोग मिनिमम बेज एक्ट को बाद में रखें, आप लोगों ने SRO 520 2017 में बनाया था, उस वक्त आपको और आपकी प्रशासन को और आपकी सरकार को सामने सूंघ लिया था। आज आप वही बात 2017 की 2022 में कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। डेली वेजर एक कदम पीछे जाने वाला नहीं है, डेली वेजरों ने मन बना लिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के मध्य में हमारे समस्त डेली वेजर साथी हर डिवीजन और सब डिवीजन के अंदर अपनी मांग को पूरे होश जोश जोर तरीके से लेकर जा रहे हैं। साढ़े डोगरी बिच आखदे ना कि सवे साले बेड़ा फोलिया वो भी सन्ना, 29 साल के बाद पॉलिसी की बात हो रही है और जो आज ये मिनिमम वेज एक्ट बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर को, देवों की भूमि को और कर्म भूमि के ऊपर जो अत्याचार और भ्रष्टाचारी अधिकारी कर रहे हैं, उनको कदापि माफ नहीं किया जाएगा। डेली वेजर अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, जिस तरीके से भी होगा जम्मू कश्मीर के प्रशासन से निपटा जाएगा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन से पंगा खड़ा किया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने डेली वेजरों की मांग नहीं सुनी, अगर रेगुलर पॉलिसी नहीं की, तो मैं दावे के साथ कहूँगा आपकी मीडिया के समक्ष, डेली वेजर घर वापसी नहीं होगा। हमें टर्मिनेशन मंजूर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन को भी खदेड़ देंगे और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों को भी रास्ता दिखा देंगे कि आपको कहाँ जाना और डेली वेजर कहाँ जाएंगे। इसी के मध्य में आज डेली वेजर साथी जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जहाँ से सभी साथी महाराजा हरि सिंह जी को नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में फूल अर्पण किए जाएंगे, उनको नमन किया जाएगा और
पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी नमन करके जम्मू कश्मीर की लड़ाई को पूरी संजीदगी और पूरी दरियादिली के साथ लड़ा जाएगा, इसमें दो राय की बात नहीं होगी।